The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। अगर अच्छे से नींद से सोना चाहते हो तो ये मत करना, या मतलब क्या नहीं करना। अगर सोना चाहते हो, अच्छी नींद सोना चाहते हो, नींद सबसे ज़रूरी है आपकी बॉडी के रिकवरी के लिए, ग्रोथ के लिए, मसल मास के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, थिंकिंग एबिलिटी के लिए, एग्जाम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए, आपके ना सिर्फ हेल्थ के लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तगड़े बनना चाहते हो, शूरवीर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। अच्छी नींद के लिए क्या नहीं करना है, वॉट आर गुड स्लीप हैबिट। गुड स्लीप हैबिट बहुत जरूरी है, जिसको हम बेसिकली हम बोल सकते हैं स्लीप हाइजीन। ऐसे प्रैक्टिस जिससे अच्छी नींद आएगी। कैसे प्रैक्टिस, ऐसा क्या करना है, सब करना क्या है। पहली चीज़ तो एक शेड्यूल रखो, एक टाइम रखो कि 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है तो 11 बजे सोना है, 7 बजे सोना है। 7 बजे कौन सोता है सर? सुबह के 7 बजे, आई मीन सही शाम के 7 बजे वैसे सोते कई लोग। तो जितने भी बजे आपको सो रहा है, रात को 2 बजे सोना है, रात को 2 बजे ना, एक शेड्यूल रखो, सेम टाइम सोना है, सेम टाइम उठना है, ये बेस्ट होता है। नंबर 1। नंबर 2, क्लियर योर माइंड बिफोर बेड। मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ठीक है, लिख के रख लो, लिस्ट बना लो, किसी को व्हाट्सएप कर दो, टू डू लिस्ट बना लो, कुछ बना लो, पर दिमाग में ऐसा वरी नहीं होनी चाहिए कि यार वो करना रहेगा, वो करना रहेगा, वो करना रहेगा, फिर नींद नहीं आएगी, फिर 2 घंटे बैठे रहोगे वहाँ पे, कोई फायदा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो फिर आप अपनी बॉडी का सारा मेलाटोनिन खींच के नीचे ले आओगे, राइट। प्लस क्रिएट ए गुड स्लीप इन्वायरमेंट, इट्स इंपॉर्टेंट। गुड स्लीप इन्वायरमेंट क्या मतलब, आपका ऐसा नहीं कि पूरी लाइटें लाइटें चल रही है। अब मैं बोला ये नहीं करना का मतलब, ये बोल रहा हूँ क्या करना है वो बता रहा हूँ, मतलब ये बता रहा हूँ कि लाइटों लाइटों में मत सोना, ठीक है। अंधेरा होना चाहिए पहले तो, टर्न डाउन द लाइट्स, अवॉइड लाउड साउंड्स, है ना। टेम्परेचर ऑफ द रूम शुड बी कंफर्टेबल, यानी गर्मी में सो रहे हो, खूंखार ठंड में सो रहे हो, बस इसमें यू नो। एंड देन यू हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे, ये नहीं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो नहीं, बैठे हुए एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मोटे हो जा रहे, कोई मतलब नहीं। रात को खाना खा रहे हैं उठ उठ के, कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज एवरी डे, स्टे एक्टिव, ताकि थको भी, नींद भी आए, ठीक है। और रात को खाना खाने के बाद टहल के आओ, बढ़िया सो, नींद आ जाएगी, ठीक है। रिलैक्स बिफोर बेड, एक बाथ ले सकते हो, नहाना है नहा सकते हो, रिलैक्सिंग एक्टिविटी, गर्मी का मौसम है 2 बार नहाओ, कोई बात नहीं, कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी करो, थोड़ा योगा कर लो, रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। और सी योर डॉक्टर, अगर आपको नींद नहीं आती है, आप दिन भर सोते रहते हो, दिन भर ड्राउजी रहते हो, खर्राटे बहुत लेते हो, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, कोई इंसोम्निया है, तो डॉक्टर से बात करो, मुझसे बात करो, ये नंबर है नीचे, ये वेबसाइट है ऊपर, करो। अब क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, फिर बोलो क्या नहीं करना। रात को, शाम को 7, मतलब आप जब भी सोते हो, उस सोने के जो टाइम है उस टाइम से 5 या 6 घंटे पहले कैफीन ले सकते हो, उसे 2 घंटे 3 घंटे पहले। रात को डिनर के टाइम पे कैफीन नहीं लेना, अल्कोहल लेट नाइट में नहीं लेना, जी हाँ नहीं लेना। रात को तो पीते हैं और कब, नहीं लेना, लोगे तो नींद आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी, सिंपल सी बात, नहीं लेना, ठीक है। डोंट लाई इन बेड वेन यू आर इन द मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम पे या वेक टाइम पे बेड पे लेटे रहोगे तो बेड कंफ्यूज हो जाता है ना, बेड बोल रहा हूँ, इंसान का माइंड कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप बेड पे सिर्फ सोने जाते हो तो बेड से एसोसिएशन हो जाए, लेटे के सोया आदमी। अगर आप पूरा दिन बेड पे रहते हो, बेड पे लेटे लेटे काम करते हो, तो फिर एटलीस्ट एक पोजीशन बना लो कि इस पोजीशन में लेटे हैं तो सोना है, उस पोजीशन में सोना ही है, फिर वो आपका कॉन्सेंट एक लिंक बन जाता है बॉडी का कि उसी में आपको पट से नींद आ जाती है, नहीं तो फिर नींद मुश्किल होती है। और दिन भर में जो है, अगर आप दिन में सोगे तो रात को कम नींद आएगी, बट ऑब्वियसली अगर सोते भी हो नींद में तो शॉर्ट नैप ले सकते हैं, 30 मिनट से कम है तो। अगर आप बहुत स्लीपी है और लंबे नैप्स नहीं लेना, और 3 बजे के बाद, शाम को 3 बजे के बाद मत सोना, वरना नींद अच्छे से नहीं आएगी, ठीक है, नींद रात को अच्छे से नहीं आएगी। नेगेटिव थाट्स अगर दिमाग में चलते रहते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, राइट देम डाउन, राइट देम डाउन, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट देम डाउन। एक लिस्ट बनाओ, राइट। माइंडसेट अगर उसमें होगा ना, नेगेटिव हटा दो। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप आई विल रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर अच्छे से नींद नहीं आई तो अगला दिन भी अच्छा नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं यूज़ करना है, फ़ोन साइड में रख दो, लैपटॉप साइड में रख दो, आईपैड साइड में रख दो, सब कुछ साइड में रख दो, लाइट आराम से बंद करके, बढ़िया आँख बंद करके ट्राई टू स्लीप, लेट, बिकॉज वो सब लाइट भी आपके मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को गिरा देगी, मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो नींद भी नहीं आएगी, फिर दिक्कत होगी। सो प्लीज़ डू दैट, राइट। सो नींद जो है केवल रेस्टफुलनेस नहीं है यार बॉडी रेस्ट को चाहिए और नींद नहीं, ऐसा नहीं। रेस्ट इज इंपॉर्टेंट बट नींद इज मोर इंपॉर्टेंट, एसेंशियल पार्ट। आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए, रिचार्ज होती है बॉडी, रिपेयर होती है उस टाइम पे। सो इफ़ यू गेट अ गुड स्लीप एवरीथिंग इज गुड, इफ यू डोंट गेट अ गुड स्लीप एवरीथिंग इज बैड। 4 दिन मत सो, देखो क्या हालत होती है आपकी, किसी की भी। सो प्लीज़ 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 टेक अ गुड स्लीप टुडे, टेक अ गुड नाइट स्लीप। इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फिर भी नहीं सो पा रहे, हमसे बात करिए, हम गाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।